अपनी लंबी 17 मांगों को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मुकेश निमोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर विष्णु प्रसाद वर्मा को ज्ञापन दिया। इस दौरान शिक्षकों के द्वारा कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस से जुड़े शिक्षकों का कहना था कि स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षकों की पदनाम सहित अन्य न्याय उचित मांगे वर्षों से लाल फीतशाही के कारण लंबित बनी हुई हैं। ज्ञापन सौंपते समय केला शर्मा, जगदीश शर्मा, अभिषेक गंगवार, राजमल वर्मा, अजीत रोशन, प्रदीप सिंह दांगी, शिव नारायण गौर, मानसिंह दांगी, धर्मेंद्र मालवीय, लखन सिंह मालवीय, जितेंद्र बगेनिया, आर के शर्मा, सुधीर राठौर, अशोक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, पीके शर्मा आदि शिक्षक गण मौजूद रहे।